गर्मी के सीज़न में कुछ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मिल जाए तो बात ही क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही आसान से बन जाती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें कि हमने 8 काजू, 8 बादाम और 8 पिस्ते लिए हैं। अब इन सबको हमने रात भर के लिए पानी में सोख करके रखा हुआ था। अगर आपके पास टाइम कम है तो यहाँ पे 1 घंटा गर्म पानी में इसे आप ढक सोख करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो अच्छी तरह से सोख हो जाएंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स को हमने एक चटनी जार में डाल लिया है और 2 इलायची हम इसमें डाल लेते हैं। तो इलायची का हमने यहाँ पर सिर्फ दाना ही डाला है, छिलके को आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा दूध या पानी इसमें डाल करके इसका इस तरह से बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लें। अब यहाँ पे 1/2 लीटर हमने दूध लिया है, जिसे कि हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा केसर ले लिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर को स्किप भी कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब फ्रेंड्स, हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के रखा था उसे हम अच्छी तरह से इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट को हमें दूध के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकाएँ ताकि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध जैसे जैसे गर्म हो रहा है, साइड साइड में जो भी मलाई आती जा रही है उसे भी हम दूध में मिक्स करते जाएंगे ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध को गाढ़ा करने के लिए हमने ना ही यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है और ना ही कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करना है। जैसे जैसे दूध पकते जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा गाढ़ा होते जाएगा। हमने जो इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाला था, काजू, बादाम, पिस्ता, उसके कारण से ये दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि तले से बिल्कुल अच्छी तरह से आप चलाते जाए, नहीं तो दूध जो है तले में भी लग सकता है। फ्रेंड्स, इसे 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। तो यहाँ 3 से 4 बड़े टेबलस्पून आपको शुगर डालना है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें चीनी नहीं डालना चाहते, इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं दूध को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पका लिया है और काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी मोटे मोटे से बबल्स हो रहे हैं, ये देखिए। तो इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूध है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो ये तले से लग सकता है, तो इसे बिल्कुल लगातार चलाते जाएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़ी हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद बिल्कुल ये रबड़ी की तरह गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। इस तरह से अब हम एक क्या करेंगे कि कुल्फ़ी का मोल ले लेते हैं, या तो आप चाहे तो किसी भी कटोरी या छोटे से ग्लास में भी आप इसे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से अब हम इसे सेट करने के लिए डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुल्फ़ी मोल का यूज़ किया है। आपके पास अगर डिस्पोजल वाला ग्लास होता है ना, उसमें भी आप चाहे तो इसे सेट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने एक एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है, इस तरह से इसे कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक शीट को लेकर के इसमें से इसे डाल सकते हैं और रबर बैंड से इसे बांध सकते हैं। नाइफ के हेल्प से इसमें हम कट लगा लेते हैं और इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को इसमें डाल लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसी तरह से हम बाकी को भी तैयार कर लेते हैं और इसे फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब आइसक्रीम्स को जो है हम फ्रीज़र में रखेंगे रात भर के लिए, या तो आप इसे 8 घंटे के लिए रख सकते हैं, इससे बिल्कुल अच्छी तरह से ये जम जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट दिन कि ये कितने अच्छी तरह से तैयार हुए हैं।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कुल्फ़ी जो है बहुत ही अच्छी तरह से जम चुकी है। ये देखिए इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही इसका टेस्ट जो होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम पानी में इस तरह से डिप कर लेते हैं, इससे जो भी कुल्फ़ी का जो साइड्स है ना वो रिलीज़ कर देता है और आइसक्रीम जो है कुल्फ़ी मोल्ड से आसानी से निकल जाती है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे तो घुमाने की वजह से ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकल जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार से हमारी ये कुल्फ़ी बन करके तैयार हुई है, मुंह में घुल जाने वाली ये तैयार हुई है। तो इसी तरह से बाकी को भी हमने निकाल लिया है। तो बिना कॉर्नफ्लोर बिना कस्टर्ड पाउडर के हमने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा कुल्फ़ी बना के तैयार किया है। मुंह में जाते ही ये कुल्फ़ी घुल से जाती है। तो चलिए इसे काट करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं जमा है और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार ठेले वाली कुल्फ़ी जो होती है ना उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आप भी घर पर गर्मियों में कुल्फ़ी बनाएं और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।